अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ वो है निविया के लोशन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास निविया जो है कंपनी उसके लोशन है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज़ के। एक आप देख सकते हैं कि इंटेंसिव मॉइस्चराइज़र है, एक पिंक लोशन है, एक ऑरेंज है और एक एक्सप्रेस हाइड्रेशन मतलब जो मिनरल्स वाला है वो है, और दूसरा जो है वो सिंपल जो एक्सप्रेस बॉडी लोशन है वो है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊँगी कि इनमें से कौन सा लोशन जो है ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, कौन सा जो है वो नॉर्मल स्किन के लिए, कौन सा कॉम्बिनेशन के लिए, कौन सा हम समर्स में यूज़ कर सकते हैं और कौन सा जो है हम विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोशन ले लेते हैं कि अब विंटर्स आ गई हैं तो हमने इसमें ये लोशन यूज़ करना है, लेकिन वो हमारी स्किन को सूट नहीं करता क्योंकि वो समर्स का लोशन होता है। तो निविया जो है इसकी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो इन्होंने अपने मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, समर्स और विंटर्स। तो मैंने इसकी जो 5 बेस्ट हैं वो सिलेक्ट किए और आपके साथ उनका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम आते हैं ये जो निविया का जो ब्लू वाला लोशन है, ये बड़ा भी साइज़ में है और स्मॉल साइज़ में भी होता है और लार्ज में भी होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंटेंसिव मॉइस्चर बॉडी लोशन। ठीक है, अब क्या होता है कि इस पर लिखा हुआ है बॉडी लोशन। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि एक लोशन इस तरह के आते हैं जिसके ऊपर फेस एंड बॉडी लिखा होता है, उस पर उसका ये मतलब होता है कि आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं और बॉडी जो फेस से नीचे का हिस्सा है उस पर भी। लेकिन जो बॉडी लोशन होता है ना जिसके ऊपर बॉडी लोशन लिखा होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ बॉडी पर लगाना है, फेस पर नहीं आप अप्लाई कर सकते, आप अपने फेस पर भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी लोशन का ये मतलब है। इसमें चलते हैं, ये जो ब्लू वाला है देखते हैं कि ये जो डीप मॉइस्चराइजेशन है ये कौन से स्किन के लिए बेस्ट है। तो ये ड्राई स्किन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली करता है स्किन को। इसमें ऑयल्स हैं जो यूज़ हुए हुए हैं फेस पे, ऑयली स्किन वाले अगर इसको यूज़ करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएंगे और उल्टा उनके फेस के ऊपर जो उनका अपना ऑयल है एक्सेसिव ऑयल वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उससे फेस पे छोटे छोटे से पिंपल्स बनने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा आपने अपने फेस के ऊपर कोई ऑयल लगाया हुआ है। अदरवाइज ये विंटर्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए ये वाला लोशन फेस एंड बॉडी बोथ के लिए बेस्ट लोशन है, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑयली स्किन। और ये समर्स के लिए भी ये वाला ब्लू वाला जो लोशन है ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग ये वाला एक्सप्रेस वाला। अच्छा, ये एक्सप्रेस और ये वाला जो है इन दोनों को आप सेम मत समझें। इस ये वाला जो है ये सी मिनरल्स वाला है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये वाला जो है नॉर्मल स्किन के लिए जो यूज़ हुआ है, ये एक्सप्रेस लोशन और ये एक्सप्रेस हाइड्रेशन वाला है। अच्छा, इससे हाइड्रेशन बहुत अच्छी आती है, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए ये वाला जो लोशन है ये बेस्ट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सी मिनरल्स है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, लेकिन इसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑयली स्किन के लिए, नॉर्मल मतलब कॉम्बिनेशन स्किन और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं ना वो इसको समर्स में यूज़ ना करें, बट विंटर्स में वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट लोशन है ऑयली टू नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन के लिए। विंटर्स में इसको हर स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन जो है ऑयली स्किन वाले वो इसको समर्स में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये जो ब्लू वाला है ये विंटर्स हो समर्स हो ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ ना करें, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर ऑयल आएगा। लेकिन ये वाला जो है ये हाइड्रेशन के लिए बेस्ट है, वाकई ऐसा लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई हाइड्रेशन है उनके लिए ये बेस्ट है जिनकी स्किन ड्राई है। ठीक है, अब चलते हैं इन दो लोशंस की तरफ। ये जो दोनों लोशन हैं इनमें विटामिन सी भी है, ये बेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। इनको नॉर्मल टू ड्राई स्किन प्लस ऑयली स्किन वाले भी इसके ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर लिखा भी ऐसा नहीं हुआ कि इसको कौन से स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हर स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है। अच्छा, निविया का ये वाला जो लोशन है ना एक्स्ट्रा वाइट, इनके ऊपर जो लिखा हुआ है ये वाकई आपकी स्किन को वाइट भी करते हैं, वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने फेस के ऊपर कुछ अप्लाई किया हुआ है। बेस्ट मॉइस्चराइज़र के तौर पे, बेस्ट लोशन के तौर पे, बेस्ट क्रीम के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये वाइटनिंग इफेक्ट भी देते हैं, बिल्कुल भी ब्लैक इफेक्ट नहीं देते। ये दोनों बेस्ट हैं, रिकमेंडेड हैं। इवन कि आप इसको समर्स में भी अपने फेस को वॉश करने के बाद इस लोशन को अप्लाई करें तो आपकी जो स्किन है वो चमक रही होगी, ऐसा लगेगा कि आपने अपने फेस के ऊपर कुछ लगाया है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये रिकमेंडेड है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये रिकमेंडेड है। हाँ, लेकिन ड्राई स्किन वाले अपने फेस के ऊपर इसको विंटर्स में लगा सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन के ऊपर ये ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करेगा, उनकी स्किन ड्राई लगेगी थोड़ी,
उसके बाद इसमें सबसे खास चीज़ जो है विथ 40% इसमें वाइटामिन सी सीरम है। जो वाइटामिन सी सीरम होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए वाइटामिन सी बहुत बहुत अच्छा है, इसीलिए ये वाइटनिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, प्राइस आप इसकी देख लीजिएगा गूगल के ऊपर, गूगल करके देख लीजिए कि प्राइस इन पाकिस्तान इसकी क्या है। ये जो मेरे पास बॉटल्स हैं ये मीडियम साइज़ की हैं, इससे स्मॉल साइज़ वाली जो होती हैं वो ये है, और मेरे पास जो है ना वो है मीडियम साइज़ की हैं, और इससे लार्ज वाली जो है, ये जो ब्लू वाली आप देख सकते हैं, ये है जो लार्ज में आती है। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज भी इसमें आता है, लेकिन आप यही कोशिश करें कि आप मीडियम टू लार्ज की तरफ जाएं कि आपके सीज़न में ख़त्म हो जाए एक्सपायर होने से पहले। अब मैंने आपको सारे लोशन के बारे में इनका बता दिया है। इसमें एक कोका बटर भी आता है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि वो भी ऑयल जो ड्राई स्किन वाले जो हैं उनके लिए है, ऑयली स्किन वाले भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट इन समर्स। जो कोका बटर इसमें आता है वो बेस्ट बेस्ट है, इन सबसे ज़्यादा वो नंबर वन बेस्ट है। अच्छा, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये दोनों वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, बट ये बाकी जो तीन लोशन है ना, ये वाइटनिंग इफेक्ट नहीं देते, ये जस्ट हाइड्रेशन देते हैं। ठीक है, ये जो है ये हाइड्रेट भी करते हैं स्किन को और वाइटनिंग इफेक्ट भी देते हैं, स्किन को ब्लैक नहीं करते। सम टाइम जो लोशन होते हैं ना, वो अपने ऑयल्स की वजह से स्किन को ब्लैक करने लग जाते हैं, तो ये ब्लैक नहीं करते, ये बल्कि हाइड्रेट करते हैं, और जितनी आपकी स्किन हाइड्रेट होती है उतना ज़्यादा जो है वो कलर वाइट लगता है। उसके अलावा अगर आपने इन निविया के लोशन से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।